नाजरीन यूएस कौंसलेट पारां माहौलियाती तब्दीलियुनि ख़ासि करे सफ़ाई सुथराई जे हवाले सां सी व्यू कराचे ते सफ़ाई मुहिम ऐं आगाही प्रोग्राम रखियो वियो आहे, जंहिंमें यूएस जे डिप्टी कौंसल जनरल मेट फेरेंस शिरकत करे सफ़ाई मुहिम में हिसो वरितो। वधीक तफ़सील ॾिसूं था कराची मां वकार शर्जी हिन रिपोर्ट में। माहौलियाती तब्दीलियुनि ख़ासि करे सफ़ाई सुथराई जे हवाले सां यूएस कौंसलेट पारां कराची में सी व्यू ते सफ़ाई मुहिम ऐं आगाही प्रोग्राम रखियो वियो, जंहिंमें यूनाइटेड स्टेट जे डिप्टी कौंसल जनरल मेट फ्रेंस, अॻूणे टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त, वुमेन फुटबॉल टीम जी कैप्टन हाजरा ख़ान, अॻूणो टेस्ट क्रिकेटर फैसल इक़बाल, असद शफ़ीक, वुमेन क्रिकेट टीम जी जवेरिया ख़ान ऐं ॿियनि पिण शिरकत कई। उन मौके ते मीडिया सां ॻाल्हाईंदे यूएस जे डिप्टी कौंसल जनरल मेट फ्रेंस ऐं ॿियनि चयो त माहौलियाती तब्दीलियुनि जे करे माहौल ते वॾा असर पिया आहिनि। अहिड़ी सूरत हाल में सफ़ाई सुथराई वारे अमल खे रोकण न घुर्जे। पाकिस्तान जे समूरनि शहरनि में सफ़ाई जो वॾो फ़ुक़दान आहे। I'm excited to be here today with these amazing students. The oceans around the world face many human caused problems like litter and plastic pollution. To protect the marine ecosystems and people's livelihoods, we must all work together. This beach cleanup is just a small effort from all of us to raise awareness about marine pollution and what we can do to protect our environment. The United States is committed to championing ambitious global targets for ocean conservation, and we invite you to join us in helping to protect Karachi's beautiful beaches. Jaise ki pata hai hamare mazhab ka hum musalman hain aur alhamdulillah hamara ye iman hai ki safai nis iman hai. तो निस ईमान हमारा सिर्फ सफाई है, तो हमें अपने शहर को, अपने बीचेस को, इन्वायरमेंट को साफ रखना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखें, हमें मुझे इस वक्त मैं बड़ी खुशी हुई कि एक जो ऐसे लोग जो यहाँ नहीं रहते वो चाहते हैं कि हमारी बीचेस क्लीन हो, हम आके उसको ख़राब करें। पाकिस्तान के सारे शहरों में हम देख रहे हैं कि कितना बुरा हाल हुआ हुआ है और ये हीट वेव हमसे कंट्रोल भी नहीं हो रही है। काफ़ी अच्छा मेरा एक्सपीरियंस था। इससे पहले भी मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स किए यूएस काउंसिल के साथ और इट्स ऑलवेज बिन अ प्लेजर, बिकॉज कोई भी एक बंदा या एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन किसी पाकिस्तान को बेहतर बनाने के लिए काम करती है, तो आई विल बैक देम एनी डे हैंड्स डाउन। एंड आज का भी जो इवेंट था वो भी यही था, यू नो, अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स ऑफ द प्रोग्राम एंड द यूएस काउंसलेट वी वर एट द बीच जस्ट टू शो एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ डर्टी इट इज। हमारे समंदर में यही कचरा वापस जाता है और फिर यही जो सी फूड है हम कराची वाले बहुत शौक से खाते हैं। तो आई थिंक यूथ को मेरा यही पैगाम है कि जिम्मेदारी लें अपनी और अपने इलाकों की और अपने मुल्क की, because that's what's going to save us after all. जो क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया में हो रहा है जिसकी वजह से ये एक्टिविटीज करवाई जाती हैं, उसका मेन मकसद सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस देना होता है पब्लिक को कि वो जब भी जहाँ पर भी हैं एटलीस्ट कोशिश करें कि उस जगह को साफ रखें, बीचेस पे आए तो बीच को साफ रखें। और जो हीट वेव की जो टेम्परेचर्स पूरी दुनिया में चेंज हो रहे हैं, आई थिंक उसको हम बेहतर इसी तरीके से कर सकते हैं कि हम जहाँ जहाँ जाएँ उस जगह को साफ रखें। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ काउंसिल जनरल का, उनके साथ हम इस स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी में काफ़ी साल से काम कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह उनकी एक्टिविटी इस तरह आगे पर चलेंगी और पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर ये चीज़ें और बेहतर होंगी। हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने एरिए की, अपने बीचेस की, अपने शहर की, अपने मुल्क की टेक केयर करें और जो भी हमसे एफर्ट हो सकती है वो करें, चाहे वो बीच क्लीनिंग हो या ट्रीज प्लांटिंग हो। जो भी एफर्ट एज अ सिटीजन, एज अ पाकिस्तानी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम उसको पूरा करने की कोशिश करें। तो मेरा ख्याल है कि बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है यूएस कॉन्सुलेट जनरल का एंड आई होप के लोग इससे सीखेंगे और फ्यूचर में जो है वो ये चीज़ बेहतर होती रहेगी हमेशा। मैं यहाँ पर आई हूँ बीच क्लीनिंग एक्टिविटी के लिए और हम सब ने मिलकर बीच को क्लीन किया है ताकि हमारे इन्वायरमेंट में जो पॉल्यूशन है वो मिट जाए और जो मैरीन लाइफ जो डेंजर में है हम उनको डेंजर से हटा सकें। और यूएस कॉन्सुलेट जो हमें अवेयरनेस दे रही है कि हमें अपने बीचेस को क्लीन करना चाहिए, इन्वायरमेंट को क्लीन करना चाहिए, तो आप भी उनके साथ कोई हेल्प करें और हम सब मिलके अपने एनवायरमेंट को, अपने बीचेस को, मैरीन लाइफ को बचा सकते। उन मौके ते यूएस कौंसुलेट जे तावन सां हलंदड़ स्कूल जे शागिर्दनि ऐं उस्तादन वॾे अंग में शिरकत कई, जॾहिं त सीयू ते वॉलीबॉल ऐं रसी छिकण जहिड़ी रांदि पिणु खेॾी वई। कैमरामैन असलम सुमरो सां वकार शर, मेहरान न्यूज़, कराची।